अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज विद खानुम। व्यूवर्स, बढ़ती हुई एज के साथ सिर्फ चेहरे पर रिंकल्स ही नहीं आती, साथ ही स्किन लूज होकर लटक भी जाती है, जो कि ना सिर्फ चेहरे की शेप चेंज कर देती है बल्कि चेहरे के इस हिस्से पर ज़्यादा नुमायाँ होती है, साथ ही नेक पर भी डीप रिंकल्स आ जाती हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए और लटकी हुई स्किन को टाइट और फर्म करने के लिए आज मैं रिव्यू करने वाली हूं इस रिंकल क्रीम का, जिसका नाम है लॉरियल पेरिस रिमेशिंग केयर एंटी रिंकल प्लस फर्मिंग क्रीम, जो कि लॉरियल पेरिस की एक प्रोडक्ट है और अपने अच्छे और विजिबल रिजल्ट्स की वजह से लोगों में बहुत पसंद की जाती है। अब वाइटनिंग, लाइटनिंग, रिंकल्स और कोल्ड क्रीम्स वगैरह का तो सुना था, लेकिन ये रीमेशिंग क्रीम्स क्या होती हैं और स्किन पर से रिंकल्स को कैसे ख़त्म करती हैं, हम पहले ये जान लेते हैं। हमारी स्किन में इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, जो कि एक जाली यानी मेश की तरह स्किन टिश्यूज़ को टाइट करके रखते हैं, जिससे कि स्किन फर्म और स्मूथ नज़र आती है। और अगर हम स्किन को स्ट्रेच करें तो वो एक इलास्टिक की तरह जो वापस अपनी जगह पर चली जाती है, ये उन्हीं इलास्टिन टिश्यूज़ की वजह से होता है। और अब लॉरियल पेरिस की इस क्रीम में वीटा फाइब्रीन होता है, जो कि स्किन में मौजूद इलास्टिन फाइबर्स की मैश यानी कि जाली को फर्म और बूस्ट करता है, जिससे स्किन टाइट और लिफ्ट होती है और नेक पर मौजूद रिंकल्स भी कम हो जाती हैं। और बॉक्स की दूसरी साइड पर मेंशन किया गया है कि लॉरियल ने फर्स्ट टाइम ऐसी क्रीम बनाई है जो कि फेस और नेक पर एक साथ वर्क करती है। इसमें वीटा फाइब्रीन के साथ प्रो रेटिनल ए शामिल किए गए हैं, जो कि एक पावरफुल एंटी रिंकल्स है और बहुत सी एंटी एजिंग क्रीम्स में इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे 35 इयर्स की एज से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अप्लाई करने पर स्किन को फौरन हाइड्रेट और कंफर्टेबल करती है और कुछ दिनों में ही आपको स्किन टाइट और फर्म होती नज़र आना शुरू हो जाती है। गर्दन पर मौजूद डीप रिंकल्स भी क्लियर होती हैं। 4 हफ्तों में ही चेहरे की कंटोर शेप 71% लेडीज़ ने हासिल की, 76% को अपनी स्किन टाइटर और लिफ्टेड मिली, 71% को नेक दोबारा से फर्मर नज़र आई। ये तमाम टेस्ट जिल्द के माहिर डॉक्टर्स ने ही किए थे और सेम मालूमात अरबी ज़ुबान में बॉक्स की दूसरी साइड पर बताई गई हैं। बॉक्स की निचली साइड पर इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। ये 50 ml की क्रीम मैंने 50 दिरहम में दुबई से ख़रीदी है, आपको पाकिस्तान से 2000 तक किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक स्टोर से मिल जाएगी। ये मेड इन जर्मनी है। अब क्रीम निकाल कर देखें तो कंटेनर शेप और कलर वाइज काफ़ी इंप्रेसिव है। रेड मैरून कलर का ये जार बहुत अच्छा लग रहा है। ओपन करने पर भी एक और सेफ्टी कवर दिया गया है। क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल कोल्ड क्रीम जैसा है और बिल्कुल ऑफ वाइट कलर की क्रीम है। इतनी क्रीमी है कि टच करते ही फिंगर्स पर लग जाती है और स्किन पर बहुत जेंटली स्प्रेड होती है। इसकी स्मेल भी बहुत सॉफ्ट और लाइट है। स्किन को हाइड्रेट करते हुए स्किन में जल्दी से अब्सॉर्ब होती है और बिल्कुल भी स्किन को ऑयली नहीं करती। स्किन पर किसी तरह का भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने अच्छी तरह स्किन को वॉश करके आप इसे नाइट टाइम अप्लाई करें और बहुत जेंटली आपने स्किन को ऊपर की तरफ मसाज करना है। आप इसे हर तरह की स्किन टाइप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपसे मैं अपनी राय शेयर करूं तो मुझे ये क्रीम बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैंने इसे दूसरी दफ़ा ख़रीदा है। मेन के बिफ़ोर एंड आफ्टर सही फ़र्क पता चलता है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ वाजे कर दूं कि आपने साथ ही अच्छी स्किन केयर रूटीन भी अपनानी है और अच्छी एंटी एजिंग ऑयल के साथ अपने फेस पर मसाज भी ज़रूर करना है। अपनी डाइट पर भी ज़रूर तवज्जो दें। ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपको विजिबल अपनी स्किन के ऊपर से रिंकल्स रिड्यूस होती नज़र आना शुरू हो जाएंगी। चेहरे पर झुर्रियाँ या रिंकल आने की वजूहात, उनके इलाज, साथ ही बेस्ट होम रेमेडीज़ और उसके साथ एक बेस्ट एंटी रिंकल ड्रिंक मैं अपनी इन 2 वीडियोस में भी आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप इनको भी ज़रूर देख लें। इनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी चेहरे पर से दाग धब्बों को दूर करके स्किन को फेयर करने के लिए इन 2 बेस्ट क्रीम्स के रिव्यूज़ के बारे में। तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।